भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में आज जिला मुख्यालय पर किसान आक्रोश आंदोलन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिले के किसानों द्वारा एक रैली निकालकर मध्य प्रदेश से कांग्रेस द्वारा चुनाव में किए वादे अनुसार अब तक किसानों को 2 लाख की कर्ज माफी न करने, अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को फसलों का मुआवजा न देने तथा किसानों व आम जनता को भारी भरकम बिजली बिल थमाए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव कर बिजली बिलों की होली जलाई। खरगोन लोकसभा के सांसद गजेंद्र पटेल ने कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ नहीं कलंकनाथ की सरकार है। आगे सांसद ने कहा कि किसानों और जनता से जो वादे किए हैं वह कमलनाथ सरकार पूरे करे, नहीं तो हम सरकार के खिलाफ आगे की चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। का भाई किसी दुर्घटना में मर जाए, कोई अपाहिज हो जाए, परंतु मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा कोई सा देखा आपने? हेलीकॉप्टर लेकर उसके घर पर उतरता है, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। और आज मध्य प्रदेश की सरकार के हाल देखिए। हमने भी सरकार चलाई, जब विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में अभी तक भी केंद्र को नहीं भेजी। आज अतिवृष्टि के कारण जिस प्रकार से फसलें बर्बाद हो गई है, किसानों को मुआवजा देना चाहिए, हमारी ये मांग है। तत्काल मुआवजा देना चाहिए, 25,000-30,000 हेक्टर नहीं, कम से कम 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पर यह सरकार अभी तक अतिवृष्टि में नुकसान होने के बाद भी किसानों के लिए कोई भी ऐसी योजना लाई नहीं, कोई मुआवजा अभी तक दिया नहीं। हमारा आज का ये जो आंदोलन है, ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए है। अगर ये सरकार जाग गई और ये कुछ किसानों के हित में काम करेगी तो ठीक है, यदि सरकार को बदलने के लिए हम बार बार ये आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।